फ्रेंड्स तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेवा में तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इन मेजोरिटी ऑफ डाईकॉट द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल लीज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट का फार्मेशन होता है सेकेंडरी रूट का या टर्सरी रूट का या नॉन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ए इसका ए होगा प्राइमरी रूट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं रूट हेयर अराइज फ्रॉम रूट हेयर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन से होता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन से होता है या वन ऑफ सेल मैचूरेशन से होता है या ऑल ऑफ दीज कह कि चारों करेक्ट हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज़ सी वन ऑफ सेल मैचूरेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है ऑप्शन ए कह रहा है रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल नेक्स्ट कह रहा है रूट इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू रीजन ऑफ इलांगेशन ऑप्शन सी कह रहा है मैजिस्टमेटिक रीजन हैव थिन वार्ड सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म नेक्स्ट क्या कह रहा है रूट कैन नॉट सेंथसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी मैरिस्मेटिक रीजन हैव थिन बार्ड सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर द मोडिफिकेशन ऑफ टेप रूट कैरेट में टर्डिम में स्वीट पटेटो में आलाफ डीज में तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर चार का स्वीट पटेटो में नेक्स्ट मेज एंड शुगर कैन कंटेन मेज मक्का और सुगर कैन मतलब गन्ना क्या फार्मेशन किसका स्टोरेज करते हैं रूट स्टोरेज ऑफ रूट है सिल्ड्रिल रूट है निमेटो फोर्स है या प्रोप रूट का मॉडिफिकेशन है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी स्टिल्ट रूट नेक्स्ट बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोविंग इज इनकरेक्ट ऑफ स्टेम ऑप्शन ए है इट इज डेवलप्ड फ्राम द प्लिम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड नेक्स्ट है इट वियर्स नोड एंड इंटर नोड इट वियर ओनली टर्मिनल वर्ड नॉट एक्जरी वर्ड नेक्स्ट क्या है इट मैन फंक्शन ऑफ स्प्रीडिंग ब्रांचेज एंड बीयर लीवस फ्लॉवर एंड फ्रूट्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी मतलब इट वियर्स ओनली टर्मिनल वर्ड नॉट एक्जरी वर्ड नेक्स्ट क्या है ऑफसेट इज वन इंटर नोट लॉन्ग रनर एंड इट्स ईच नोड वी आर रोसेट ऑफ लीव एंड ए रूट इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक किसमें होता है हाइड्रिला में पिस्टिया में या आइकोनिया में यह कह रहा है बॉथ बी एंड सी मतलब पिस्टिया एंड आइक्रोनिया दोनों तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी मतलब पिस्टिया और आइक्रोनिया बोथ आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग इनकरेक्ट बताना है इसमें थॉर्न क्या कह रहा है सिट्रस एंड बोगनगिलिया में थॉर्न फ्लैट एंड स्टेम में अपुंसिया अंडरग्राउंड स्टेम जो है टर्मरिक स्टेम टेंडिस कोलोकेशिया क्वेश्चन नंबर आठ का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी कह रहा है स्टेम टेंडिस जो होते हैं कोलोकेशिया में होते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन रिस्पायरेटरी रूट इज प्रजेंट इन मतलब रिस्पायरेटरी रूट किस में प्रजेंट होती है मुलेथी में राइजोफोरा में एलो में एलो मतलब एलोवेरा नेक्स्ट क्या है मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो का वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज राइजोफोरा दैट इज बी ऑप्शन नेक्स्ट बात करते हैं बीच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीफ मतलब लीफ के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है क्या ऑप्शन वन में क्या है इट इज अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर इट डेवलप फ्रॉम नोट इट इज जनरली फ्लैट इन सेप इट इज अरेंज इन बैसिपिटल ऑर्डर तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो ऑप्शन होगा दैट इज इट इज अरेंज इन बैसिपिटल ऑर्डर ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अल्टरनेट फिलोटैक्सी बतानी है अल्टरनेट फिलोटैक्सी एक्सेप्ट इसका ऑप्शन कह रहा है मस्टर्ड में होगा चाइना रोज सन फ्लॉवर या कैलोट्रॉपिस क्वेश्चन नंबर अलेवन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी कैलोट्रॉपिस इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्या है इन रेसिमोस फ्लावर एक्सिस शो इन डिफिनाइट ग्रोथ कंटिन्यू टू फार्म न्यू फ्लावर एक्रोपिटल अरेंजमेंट या ऑल तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी रेसिमोस टाइप के फ्लावर में ट ग्रोथ होती है कंटिन्यूस टू फॉर्म न्यू फ्लावर एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है क्वेश्चन नंबर डेवलप अ फ्लावर इज फिल करना है यहाँ पे इन रेसिमोस इन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज इसमें क्या करें करेक्ट होगा या बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल या ऑल तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए मतलब एक्रोपिटल नेक्स्ट बात करते हैं इन बाइसेक्सो फ्लावर इनर मोस्ट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ एंडोशियम गाइनोशियम सेपल या पेटल तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज बी मतलब गायनोशियम इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्या है टवेको एंड ट्राइफोलियम हैव सिमिलरिटीज टेट्रामेरस होते हैं रेसिमोस या एक्टिनोमार्फिक एंड पेंटामेरस या जाइोमार्फिक एंड टेट्रामेरस तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी एक्टिनोमार्फिक एंड पेंटामेरस इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्या है मार्क द करेक्टली मैच करेक्ट बताना है पंपकिन कह रहा है हाइपोगेनस कैसिया में एक्टिनोमार्फिक, गुलमोहर में जाइगोमार्फिक, मार्फिक सनहिम्प में टेट्रामेरस तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज़ गुलमोहर में होता है जाइगो मार्फिक इज करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी नेक्स्ट बात करते हैं हाफ इनफीरियर ओवरी इन फीचर ऑफ हाफ इन्फीरियर ओवरी किसका फीचर है कह रहा है पिटूनिया एंड लिली का है पीच एंड रोज़ का है वाटरमेलन एंड पम्पकिन का है या कह रहा है मस्टर्ड एंड कैबेज का है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज़ बी मतलब पीच एंड रोज़ में हाफ़ इन्फीरियर पाई जाती है नेक्स्ट क्या है अरहर एंड बेलाडोना हैव सिमिलरिटी बोथ कह रहा है अरहर और बेलाडोना में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है दोनों में हाइपोगानस होते हैं दोनों पेंटामेरस सुपर सुपीरियर ओवरी या ऑल ऑफ द इज़ ये मतलब सभी करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर एटीन का जो होता है दैट इज डी ऑप्शन नेक्स्ट क्या है गैमोसेप्लस एंड गैमोपेटलस कंडीशन इज प्रजेंट लिलियसी में पाई जाती है सोलिनेसी फैमिली में या फेवेसी या ब्रसिकेसी तो इसमें क्या है सोलिनेसी में जो है गेमो गैमोसेपलस एंड गैमो गे, कंडीशन पाई जाती है मतलब दैट इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है पिस्टिया एंड आइकोनिया सो यहाँ पे फिल करना है एस्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा ऑफसेट कॉर्न राइजोम या रनर तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑफसेट तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे ऑफ फ्लॉवरी रंट के एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें थैंक यू